दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं धर्मेंद्र प्रधान। भुवनेश्वर से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। संबलपुर से 1 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल की है। उड़ीसा विधानसभा में बीजेपी ने परचम लहरा दिया है। बीजेपी ने बीजेडी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। बीजेपी ने कुल 147 सीटों में से 78 सीटें हासिल की। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भुवनेश्वर से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। धर्मेंद्र प्रधान संबलपुर से 1 लाख से अधिक वोटों से जीते हैं। साथ ही उड़ीसा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने परचम लहराया। बीजेपी ने बीजेडी को सत्ता से बेदखल कर दिया है। तो फिलहाल देखिए, कल रात होते होते बीजेपी के लिए उड़ीसा से भी बहुत अच्छी खबर आई। विधानसभा चुनाव में विजयी पताका बीजेपी ने लहराया और तस्वीरें धर्मेंद्र प्रधान की आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी ने बीजेडी को सत्ता से बाहर कर दिया। तो इस बार उड़ीसा में बीजेपी ने जो कभी नहीं करा वो करके दिखाया, चाहे विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव में परफॉर्मेंस की बात हो। तो बीजेपी ने बीजेडी को सत्ता का रास्ता ना दिखाते हुए बाहर का रास्ता दिखा दिया। हालांकि देखिए, जब किस तरीके से प्रचार प्रसार चल रहा था तभी इस बात के संकेत बीजेपी ने कहीं ना कहीं उड़ीसा को दे दिए थे कि इस बार सरकार राज्य में बीजेपी की आएगी। और बयानबाजी का जो दौर था वो भी आपने सुना होगा, किस तरीके से सभा के दौरान ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर निशाना साधा था नवीन पटनायक पे। कहा था कि आप कि सेहत में सुधार नहीं हो रहा, इसके पीछे कौन काम कर रहा है, और यदि हम सत्ता में आते हैं तो हम बकायदा समिति का गठन करेंगे जो इस बात की तफ्तीश करेगा कि आखिरकार तबीयत क्यों खराब हो रही है।